अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ बशा। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। टुडेज़ वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ मैं इसमें कुछ बताने वाली हूँ आपको, एक ज़बरदस्ती बात जो आपके मतलब की है। अब हम साग रोटी अब आपको देने वाला है हर वीडियो पे एक गिफ्ट। अब ये जो गिफ्ट है ये थोड़ा सरप्राइज़ है। हम अपने हर वीडियो के लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन उस वीडियो से ही रिलेटेड, और जो सबसे पहले इसको आंसर करेगा उसको मिलेगा एक ज़बरदस्त सा गिफ्ट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको हमारा सब्सक्राइब करना है चैनल, अगर आपने नहीं किया है लाइक करना है और कमेंट करना है उस क्वेश्चन का आंसर। आज हम बात करेंगे मॉर्निंग रूटीन की। आज हम कोई रेसिपी की बात नहीं करेंगे या कोई रेसिपी नहीं बनाएंगे। कहा जाता है कि जिसने अपनी सुबह को अच्छा कर लिया उसका पूरा दिन अच्छा गुजर गया। जिसने सुबह उठकर जो फ्रेश उठा तो उसने अपना पूरा दिन भी फ्रेश गुजारा है। तो इसके पीछे क्या राज है, ये सीक्रेट क्या है, तो आज हम बात करेंगे मॉर्निंग रूटीन की। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम बहुत सारी चीज़ों पर फोकस कर रहे होते हैं लेकिन द वे वी आर लिविंग आर लाइफ उस पे हमारा फोकस नहीं होता है। तो ये रिसर्च हुई है, जैसे जब हम सुबह उठते हैं हमारी आंखें खुलती हैं तो कुछ मिनट्स तक हम ब्रेन के उस स्टेट में होते हैं, उसको कहा जाता है अल्फ़ा स्टेट, जिसमें हमारा ब्रेन हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, बहुत हेल्दी स्टेट में होती है। और उस टाइम पे आप जो भी काम करते हैं तो वो बड़ा जो है ना ज़बरदस्त होता है, उसमें आपको बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जिस तरह से हम कभी हमें स्ट्रेस होता है, हमें टेंशन होती है, हम रात में भी वही बात सोच के वही थॉट सोच के हम सो जाते हैं, और जब हम सुबह उठते हैं हम सबके साथ ऐसा होता है, जब हम सुबह उठते हैं तो हम उसी थॉट के साथ जैसे ही आँख खुली और हमारे दिमाग में वही बात आ जाती है। तो होता क्या है कि वो पूरा दिन हमारी उसी सोच में ही गुजर जाता है। तो ये इट हैपन्स विद एवरीवन, लेकिन क्योंकि हम इतने माइंडलेस होते हैं, हम इस बारे में इतने कॉन्शियस ही नहीं होते हैं और हम उसको कैरी करके चलते रहते हैं, तो उससे होता क्या है कि हमारे मूड स्विंग्स, हमारा ऑटोमेटिकली जो है ना हमें समझ भी नहीं आ रहा होता है, हमें खाने का दिन नहीं जा रहा होता प्रॉपर, और हम अनहेल्दी डाइट की तरफ जाते हैं, हम कुछ भी खा लेते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा माइंडफुल हो जाए मॉर्निंग में कि जैसे ही आपकी आँख खुले तो आपने कुछ पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करनी है, मतलब फोर्सफुली अपने आप को पुश करना है। यू नो यू कैन डू सम एक्सरसाइज, जैसे कि हम फजर के वक्त उठते हैं, तहज्जुद के वक्त उठते हैं तो नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह से एक डिफरेंट सा कनेक्शन होता है। सो वी नीड टू डेवलप सम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, जो कि नमाज के बाद आपकी एक्सरसाइज हो सकती है, आपकी मेडिटेशन हो सकती है, और रीडिंग बुक और वॉट एवर यू रियली लाइक। सो जब हम मॉर्निंग रूटीन की बात करते हैं तो ब्रेकफास्ट फ़ौरन हमारे दिमाग में आ जाता है। सो यू नीड टू बी माइंडफुल कि आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हैं। यू जस्ट हैव टू वॉच, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत अनहेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं इसकी जिसकी वजह से आपका पूरा दिन ही अनहेल्दी गुजरता है। बिकॉज ऐसा होता है कि जब हम कुछ सुबह ही अनहेल्दी खा लेते हैं तो हम पूरा दिन ही अनहेल्दी खाते रहते हैं। सो यू नीड टू बी माइंडफुल कि आप क्या खा रहे हैं। तो अपनी सुबह का स्टार्ट जब आप अच्छा खा कर करेंगे तो पूरा दिन ही आपको ये माइंड में रहेगा और आपको अच्छा लगेगा, यू नो यू फील गुड। सो यू नीड टू बी माइंडफुल अपने ब्रेकफास्ट के लिए कि आप क्या खा रहे हैं। एंड लास्टली आई रियली वांट कि आप सब मॉर्निंग में एक ऐसी एक पॉजिटिव थॉट जो है क्रिएट करें जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, और आप जब उसको सोचें तो आपको अच्छा फील हो। बिकॉज अच्छा फील होना ही यहीं पर ही एक मैजिक छुपा हुआ होता है और हम ये भूल जाते हैं। सो वी नीड टू फील गुड इन द मॉर्निंग ताकि हमारा सारा दिन बहुत अच्छा गुजरे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सो हमारा आज का सवाल ये है कि मैंने ऐसी कौन सी तीन बातें आप लोगों से शेयर करी हैं जिसकी वजह से हम अपनी सुबह को, अपनी मॉर्निंग रूटीन को अच्छा कर सकते हैं। जो हमें सही आंसर देगा उसको मिलेगा गिफ्ट। तो आपने देर नहीं करनी है और जल्दी से हमें कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।